वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कुक विद आरती। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेरी टेस्टी वेरी हेल्दी स्नैक जो कि है गार्लिक पोटैटो रिंग्स। बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, जब खाते हैं ना तो मजा ही आ जाता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। गार्लिक पोटैटो रिंग बनाने के लिए हमको चाहिए होंगे 2 मीडियम साइज के बॉइल्ड पोटैटोज, ये आप लोग देख सकते हैं। अगर आपके पास बड़े साइज के हो तो आप बन लीजिएगा। अभी हम इसे घिसेंगे। मैंने कुछ ऐसा ग्रेटर ले लिया है, इस पे मैं आलू को ग्रेट करती हूँ। जब हमारे आलू बॉइल्ड होते हैं तो उससे हमको ग्रेट करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये आराम से ग्रेट हो जाते हैं। और जब हम इसे मैश करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से मैश हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने अपने दोनों पोटैटोज को ग्रेट कर लिया है, ये देखिए आप लोग। अब हम गार्लिक क्लोव्स को ग्रेट करेंगे। कुछ इस तरीके के 5 गार्लिक क्लोव्स ले लिए हैं। गार्लिक का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें, इसे अभी हम ग्रेट करेंगे। अपने गार्लिक क्लोव्स ग्रेट कर लिए हैं। मैंने ले लिया है एक कढ़ाई, इसमें मैं डाल दूंगी मेल्टेड बटर। तो करीब मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून बटर डाला है। और अब हम इसमें डाल देंगे गार्लिक जिसको हमने ग्रेट किया था, और इसे अभी हम सॉटे करेंगे। धीमी आंच पे आप सॉटे करिएगा, वरना अगर आपने आंच तेज कर दी तो ये जलने लगते हैं। गार्लिक जो हमने ग्रेट किया था वो अच्छे से सॉटे हो चुका है। तो अब हम इसमें मिला देंगे 1/2 कप पानी। और अब इसमें हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप जो चिली पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं। इसे अभी हम मिक्स कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने करीब 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ले लिए थे, और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो गाइज अब हम इसमें ऐड कर देंगे सूजी। सूजी यहाँ पे मैंने 1/2 कप सूजी ली है, जितना आपको पानी लेना है उतनी ही सूजी। और सूजी यहाँ पे मैंने महीन वाली ली है, मोटी वाली अगर आपके पास हो तो आप उसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा। और इसमें अब हम ऐड कर देते हैं ये सूजी, हल्के हल्के ऐड करते जाएंगे, और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सूजी यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर ली है और ये पक भी चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पोटैटोज जिसको हमने ग्रेट किया था। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसे तब तक ऐसे ही चलाते रहेंगे लो मीडियम फ्लेम पे, जब तक ये कढ़ाई को छोड़ने ना लगे। तो ये हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है, ये देखिए कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। तो अभी हम इसे उतार लेते हैं। तो इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमको इसे ज्यादा ठंडा नहीं करना है, बस इतना ठंडा करना है कि हम इसे टच कर सकें। हमारा जो मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं मैं इसे टच कर पा रही हूँ, और अब हम ये बाइंड नहीं हो रहा है अच्छे से। तो इसमें अब हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अरारोट या फिर राइस फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, और इसको अब मैं मिक्स करूँगी। अच्छे से कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी फ्रेश कोरिएंडर की लीव्स। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कोरिएंडर का, और इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ले लीजिए, डो हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इस डो की करीब 1/2 लोई तोड़ेंगे और इसे ऐसे गोल गोल करेंगे। तो लीजिए ये हो गई गोल। यहाँ पे मैंने अपनी जो रोलिंग पिन लिया था उस पर भी मैंने तेल लगा लिया है ताकि ये चिपके ना। तो अभी हम इसे लाइट हाथों से बेलेंगे। अगर आप इस पर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो ये टूटने लगेगा। ये देखिए, इसको हल्के हाथों से ऐसे पलट लेते हैं और अब इसे बेलते हैं।
ज्यादा पतला ज्यादा मोटा मत बेलिएगा, जैसा मतलब मीडियम का बेलिएगा आप इसे। तो गाइस अब मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है, तो अब मैं इसकी रिंग कट करूंगी। तो रिंग कट करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक छोटी सी डिब्बी का लिड। ये देखिए आप लोग इतना बड़ा है, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं जैसा आपको साइज रखना है। और ये दूसरा छोटा लिड ले लिया है मैंने एक शीशी का, ये देखिए आप लोग ये कुछ इतने बड़े मैंने लिए हैं लिड के लिड। और इससे अब मैंने यहाँ पे तेल लगा लिया था इसके कॉर्नर्स पे, इसे यहाँ पे मैं इसे रखूंगी और इसे पुश कर दूंगी। अगर आपके पास कुकी कटर हो तो आप कुकी कटर से भी कट कर सकते हैं। ये देखिए ये कट हो गया। अब हम इसके सेंटर में ये छोटा वाला लिड रखेंगे और इससे इसे भी कट कर लेंगे। ऐसे ही सारे कट कर लेते हैं। मैं इसके जो साइड में है बच गया है उसे हटा लेती हूँ। इसको हम रीयूज कर लेंगे। और ये देखिए वाओ, हमारी रिंग बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। ऐसे ही सारे निकाल लेती हूँ और ये जो हमारा बीच का पोर्शन बच गया है इसको भी हम रीयूज करेंगे। यहाँ पे मैंने अभी थोड़े से रिंग बना के रेडी कर लिए हैं, तो अभी हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। पे डीप फ्राई करने के लिए मैंने ले लिया है ऑयल, कुकिंग ऑयल लिया है। ये गर्म हो चुका है अच्छे से, तो अब इसमें हम अपनी रिंग्स डालेंगे हल्के से आपको, क्योंकि रिंग्स बहुत ही सॉफ्ट हैं, तो हल्के हाथों से इसे उठाना है और डालना है। ये देखिए, और अभी हम इसे डिस्टर्ब नहीं करना है, ये जब ऊपर आने लगेंगी तभी हम इसे पलटेंगे। सारे डाल देती हूँ मैं इसमें और लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे डीप फ्राई करना है। आंच तेज नहीं करनी है वरना ये जलने लगेंगे। गाइस अभी हम अपने रिंग्स को ऐसे ही उलटते पलटते गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। हमारी रिंग्स हैं वो ऊपर आ चुकी हैं और ये नीचे भी फ्राई हाफ फ्राई हो गई है, इसलिए मैं ऐसे पलट रही हूँ। ये देखिए आप लोग कितना बढ़िया कलर आया है इसका, वाह। देखिए मैं हल्की, तो ये लीजिए हमारी जो रिंग्स हैं वो फ्राई हो चुकी हैं और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी भी हो चुकी हैं। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। लीजिए हमारे वेरी टेस्टी एंड हेल्दी गार्लिक पोटैटोज रिंग्स रेडी हैं। ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं और कितने क्रिस्पी हैं ये। तो इसके संग मैंने खाने के लिए यहाँ पे ले लिया है टोमेटो केचप। आप किसी के संग भी खा सकते हैं, चिली सॉस, कोल्ड ड्रिंक, चाय, चटनी, खट्टी चटनी, किसी के संग भी, जिससे आपकी मर्जी हो उसके संग आप इसे खा सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी गार्लिक पोटैटो रिंग बनाने की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने अपने घर पे बनाई तो आपकी कैसी बनी। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल कुक विद आरती को और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तब तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।